आज हम लोगों ने गार्ड रखा है बिल्ली को भगाने के लिए। देखिए, ये बताने के लिए आप मुझे यहाँ पे आई थी? आपने यही पूछा है? Get lost! इस बंदे का दिमाग ठीक करो। किसने बुलाया भट्ट साहब, किसने बुलाया इसको? भट्ट साहब ये देखिए कैसे बात कर रहे हैं। पड़ता है हल क्या कि मतलब कैसे बात करें, मैं जैसे मर्जी बात करूं। नहीं तो आपने मुझे इसीलिए बुलाया क्या, इतना जलील करने के लिए? तुम्हारे ये मसले सुनने के लिए मैंने बुलाया हुआ। बट साहब ये क्या बात कर रहे हैं? गेट लॉफ। पड़ता है हल मतलब कैसे लोगों को बुला लेते हैं आप, वो अपने मसले बताई जा रही। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जुनैद तारिक, और आज जो अजीम शख्सियत, पाकिस्तान की अजीम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बांग्लादेश की अंग्रेज़नी, अभी अभी दीवार से उतर के बैठी हैं, मिस जुहा मलिक। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, वेरी वेल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ लॉर्ड ऑफ फूड में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में जा रही हैं आप टिकटॉक के ऊपर, सो आवाम बड़ी क्रिटिसाइज भी कर रही है आपको, और हारिस अवान और शामीर अब्बास के साथ क्या इशू चल रहा है आपका? एक्चुअली ये टिकटॉक का नहीं, ये यूट्यूब का मसला है। मैंने एक फेक प्रैंक वीडियो बनाई थी हारिस अवान के साथ मिलके। हारिस के साथ फेक बनाई थी? हाँ जी, फेक बनाई थी। लोगों को यही शो कराया गया था कि ये रियल है, लेकिन वो रियल नहीं था, फेक था। मैंने उसको एक्सपोज भी नहीं करना था अगर वो मेरी आईडी हैक ना करता। उसने मेरे साथ ये किया और मैंने भी उसको एक्सपोज कर दिया। मतलब इंस्टा की आईडी उसने मेरी हैक कर ली थी। तो वो करने के बाद फिर जब मुझे आईडी वापस मिली तो फिर मैंने शामीर के साथ मिलकर उसको एक्सपोज कर दिया था। तो ये शामीर की कैसे एंट्री हुई? एक्चुअली शामीर से मेरे पहले से ही वो थे, हम लोगों के लिंक था पहले से, क्योंकि उसके अब्बा, हाँ उसके अब्बा जी का मैंने इंटरव्यू किया था, और उसके बाद मैंने इनके लाहौर टीवी के लिए मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वो फिर मैंने वो क्विट कर दिया था। उसके बाद अब मैंने शामीर के साथ मिलके उसको एक्सपोज कर दिया। शामीर काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा था एक्सपोज करो एक्सपोज करो, मैंने कहा नहीं, मैं उसको क्यों एक्सपोज करूं? आपसे कहा था कि एक्सपोज करो? हाँ जी, उसने कहा था क्योंकि वो चाहता था कि मैं एक्सपोज करूं, लेकिन तब तक मेरा उसके साथ हारिस के साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हारिस ने मेरे साथ जाती की तो फिर मैंने भी उसके साथ कर दी। तो ये बताने के लिए आप यहाँ पे आएंगे? कैसे देख रही हैं आप? ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे अपने आप मसले लेकर आई हैं, मतलब कि शामीर ने ऐसे कर दिया, हारिस ने ऐसे कर दिया, ये सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया तो आपने यही पूछा, ये क्या बात है? किसने बुलाया भट्ट साहब, किसने बुलाया इसको? भट्ट साहब ये देखिए कैसे बात कर रहे हैं। पड़ता है हल क्या कि मतलब कैसे बात करें, मेरा शो है, मैं जैसे मर्जी बात करूं। नहीं तो आपने मुझे इसीलिए बुलाया क्या, इतना जलील करने के लिए? तुम्हारे ये मसले सुनने के लिए मैंने बुलाया। भट्ट साहब ये क्या बात कर रहे हैं? गेट लॉफ। हेल मतलब कैसे लोगों को बुला लेते हैं आप, वो अपने मसले बताई जा रही। इट वाज अ प्रैंक, हैव अ सीट। ओह यार ये क्या मजाक कर रहा था? ऐसे कौन मजाक करता है? ड्राइंग लिख दी थी इतनी जोर से शाउट। तो कैसा लगा आपको जुनैद तारिक का प्रैंक? हैवी, मजा आया? अच्छा खासा, डर गई थी मैं। चलें बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ये बताएं जरा। जुहा ब्यूटी क्रीम। जरा ने बताया कि आप क्रिस गेल, आपका कजन है। बिल्कुल सच है। कोई चीज झूठ भी है? नहीं। फिर हारिस अवान का प्रैंक भी सच होगा? बस वही झूठा था। शामिर झूठा नहीं है? प्रूफ नहीं है मैंने। हारिस अवान के लिए कुछ बोलें, लोग सुनना चाहते हैं। हारिस अवान बस कर दो, अब तो मान लो कि ये प्रैंक फेक है, और प्लीज़ मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो क्यों फिर ऐसे कर रहे हो? दोस्ती कर लेते हैं, बस यही कह सकती हूँ। हाँ मैं से भी दोस्ती कर लो, शमीर से भी कर लो, शमीर आपसे कर ले, सब मिलजुल के यूट्यूब पर रहते हैं। तो मतलब आपको अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि आपने गलत किया उसके साथ? नहीं मैंने गलत नहीं किया, जब उसने गलत किया तो फिर मैंने उसके साथ किया गलत। मैंने गलत नहीं, मैंने एक गलत चीज को बताया है कि ये गलत, मैंने गलत नहीं किया। दोस्ती कैसी हो सकती है जब आप मतलब आप भी उसके खिलाफ वीडियोस बना रही हैं, वो बना रहा है, तो मतलब
उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ किया, उसने दोबारा मेरे साथ कर लिया, बात खत्म, अदले का बदला और बदले का बदला। अच्छा वैसे मैंने ना आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, आपकी जो कपड़ों की कलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मतलब क्या कोई किसी ब्रांड के साथ या मतलब आप खुद से डिज़ाइन करती हैं? नहीं नहीं, ये मेरे खुद के डिज़ाइन हुए हैं, और क्योंकि मेरा अपना ब्रांड लॉन्च हो रहा है तो इसलिए वो मेरे अपने ही कलेक्शन के हैं। अम्मी जी कहा करती थी, कोई ब्रांड छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन लंडे से बड़ा भी कोई ब्रांड नहीं होता। ब्रांड चेंज करें अपना। आप हंस रही हैं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। वैसे आपकी ना आंखों को देख के लगता है कि आपने चर्स पी हुई है। पी हो सकती है? Oh no! हो नहीं सकती, पी हुई है। नहीं ऐसे। Actually, मेकअप जरा कम हो गया होगा ना इसलिए। अच्छा, वैसे मुझे पता चला कि आप पार्ट टाइम जादूगरनी है। सच है। वाकई? और वो मैंने सुना है कि जब आप पहली दफा जादू कर रही थी तो उल्टा आप ही हो गया। ये झूठ है। आपसे टंग टोस्टर करवाए, पीली पीली पटक पीली मारे चटक पीली होए होए, पीली पीली पटक पीली पीली पटक पीली मारे चटक पीली होए होए, पीली पीली पटक पीली पटीली, जोर से पीली पीली पटक पीली पीली मारे चटक पीली पीली होए। चलें छोड़ें इसको। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच कटाचे हाल हाल। क्या पूछ रहे, इतना मुश्किल बोले, दोबारा बोले। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच कटाचे हाल हाल। टिच कटाचे कटाचे टिच कटाचे हाल हाल। टिच कटाचे हाल हाल टिच कट नहीं बोल सकती मैं। अच्छा आपको गाना आता है? नहीं आता। बंदा कह ही देता है हाँ आता है, मैं मतलब नहीं आता ना, इसलिए मैं कह रही हूँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आप सुर लगाएं, ला 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 ला, जोर से लगाएं, ला 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 ला, जोर से, बस इतना ही आता है। चर्स कम पिया करें, खाने पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें। अच्छा अब मैं आपसे एक रैपिड फायर हम खेलते हैं, आपसे जो मैं पूछूंगा आपने फौरन जवाब देना है, एक सेकंड से पहले। अगर आपने ना दिया तो मैं हवाओं के रुख तब्दील करवा के ज़रा समझ जाए। अच्छा जी, जुहा मलिक, लॉर्ड ऑफ फूड मजे का, शामिर अब्बास अच्छा, हारिस अवान झूठा, जुनैद तारिक खड़ूस, गार्ड्स आए गोली मारे, ये मैं लाइव शो के अंदर कह रहा हूँ कि ये मैंने ही कहा है कि ये आज हसीन मैं जुहा कहाँ से, हर जगह से, हेलो एल, अंधेरा मजे का, बिस्तर सोना। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आप? 22 हो जाऊंगी। फिर आप कहती हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं आपको गेट लॉस्ट कहता हूँ, मतलब व्हाट द हेल, मतलब आप क्या, अब एज में क्या इशू हो गया आपको? कैमरे पे शायद आप 22 की लगती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 44 की लग रही हैं। आप 44 की समझ लें, क्योंकि मैंने आपको मेकअप से पहले देखा था। तो जुहा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? अभी तो यही प्लान है, यूट्यूब को लेके चलना है, इंस्टा को लेके चलना है, अभी यही है। और कोई फ्यूचर प्लान्स? और अपना ब्रांड लॉन्च करना है। शामिर अब्बास सारी सामान इनको थोड़ी साथ लेके चलना है, ये तो बस ये इधर तक टॉपिक थे जो अब फिनिश। मतलब आप अब आज के बाद तू कौन मैं कौन? नहीं अगर तो अभी तो कोई चांस नहीं है इन दोनों के साथ फर्दर काम करने के। सीरियसली? शामिर के साथ भी नहीं? शामिर के साथ भी नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ये सोच लें आप, ये बड़ा मसला होने वाला है आपका। नहीं मसले वाली कौन, आप फिर आएंगे रोके, मैंने तो मजाक किया था, उन्होंने मुझसे पैसे दिए थे, नहीं पैसे नहीं, वो क्या चल रहा था कि उन्होंने मेरे साथ फेक किया था, उन्होंने कहा था ये बोलो, बाद में आप आके ये कह दें। नहीं क्या वे वो प्रैंक एक फेक था, उसकी वजह से नहीं, इस बात पे आप कह देंगे मतलब? अच्छा अच्छा, ये सारा सीरियस था? सीरियस था। आपको लगा कि हमने कोई आपके साथ प्रैंक किया, झूठ बोला लगा? आवाम को ज्यादा पता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया,
हाँ, आप सोच नहीं सकती कि हमारे जो यहाँ पे पूरी टीम खड़ी हुई है, कितना मज़ा आया, कितना इंजॉय किया लोगों ने। बाय द वे, जो ये मजाक था एक छोटा सा, इसको आपने दिल पे नहीं लेना, ये सिर्फ एक मजाक था। और आप हमारे लिए बड़ी जो हैं वो काबिले एहतराम हैं, काबिले कदर हैं, और इंशाल्लाह आपसे अभी मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा आगे जाने वाली हैं, और आप बहुत इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और अब आप दफ़ा हो सकती हैं।